दोस्तों, मैं आकाश आपको स्वागत तो मेरे यूट्यूब चैनल आकाश की टीम में। दोस्तों, आज मैं इस मस्कीटो बैट को रिपेयर करना बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में मैं इस मस्कीटो बैट को रिपेयर करना पूरी जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाकर ऑल में क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने पहले इसको मैं ओपन कर दिया हूँ इस यहाँ पर, तो आपको इस बैटरी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस बैटरी को ओपन कर देता हूँ, तो आपको ये बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा बैटरी ख़राब होता है, तो आप बैटरी को भी चेक करके यहाँ पे आप नया वाला बैटरी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो कि हमारे ये सर्किट में आता है, तो हम इस सर्किट को ओपन कर देंगे। ओपन करके आपको पूरा दिखा के आपको बतलाते हैं। तो मैं इस सर्किट को ओपन कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए PF लगाया हुआ होता है। तो ये आपका ख़राब होता तो आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा ये ख़राब हो तो ये हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे इस PF को चेंज कर सकते हैं। वो आप नया वाला यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है, हमारे ये स्विच में खराबी आ सकती है, ये दोनों स्विच में, तो आप इसको चेक करके आपको यह नए वाला लगा सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में चेक कर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो आपको दोनों सिरा यहाँ पे ये स्विच में कनेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है, तो हमारा ये स्विच ठीक है। तो हमारा ये स्विच ठीक है। नया वाला को चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा ये भी स्विच ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस ये जो नेट में करंट ना आए, ये जो कैपेसिटर में स्टोर होके रहता है चार्ज, तो यहाँ पे हम इससे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो स्टोर है चार्ज को ये डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करके आप यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं इस कैपेसिटर से। तो यहाँ पे और दूसरा वाला, ये हमारा नेट में ख़राबी हो तो पहले क्या करना है, हमारा ये जो इस नेट में ये तीन परत होते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ये है और दूसरा वाला जो कि ये रेड लगा है ये सिंगल है, और तीसरा वाला जो कि पूरा नीचे रहता है। यहाँ पे दोनों कनेक्ट कर दिए हैं, तो आपको ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखकर यहाँ पे चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारा दिखा रहा है, तो हमारे ये नेट है जो ठीक है। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे रेड में लगाने का है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो हमारा ये जो ये हमारा नेट ठीक हो सकता है। और दूसरा जो कि यहाँ पर हमारा जो कि ये जो सर्किट का यहाँ पे ये तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो, तो इसको हम निकाल कर इसमें नया वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो कि ये कैपेसिटर है, आप यहाँ पर जो कि ये 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, आप ये ख़राब हो तो यहाँ पे इसको निकाल कर नया वाला लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये छोटा छोटा PF लगा है, तो यहाँ पे जो PF लगा है ये जो ख़राब हो तो इसको क्या कर यहाँ पे इसको ये चेक करके आपको यहाँ पे रिप्लेस करता कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर लगा है जो कि NFC जो कि D882 का ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारा छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पे
जो ख़राब हो तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और जो कि चार्जिंग के लिए हमारे जो बैटरी चार्जिंग के लिए जो यूज़ करते हैं जो पीएफ है, जो कि यहाँ पे ख़राब हो तो ये जो कि 400 वोल्ट का है हमारा ये पीएफ है तो यहाँ पे फटा हुआ होता, इसको हम इसको यहाँ पे नया वाला रिप्लेस करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा बतला दिया हूँ। और बैटरी को जो बैटरी ख़राब हो तो हमारा तो डिस्चार्ज हो तो यहाँ पर देख ये सर्किट को देखकर तो यहाँ पे हमारा ये पीएफ या स्विच ख़राब हो तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करके आप बैटरी को चार्ज करते हैं कर सकते हैं। और यदि हमारा ये ठीक है और यहाँ पे पावर का सेक्शन जो कि यहाँ ख़राब हो तो यहाँ पर ये वाला आपको सेकंड वीडियो में आपको पूरी जानकारी में दूंगा यहाँ पर ये सर्किट को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इस भी हमारा ये बैटरी ख़राब है तो हम इसको चेक करके आपको हम ये बैटरी नया डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये बैटरी ख़राब हो चुका है। तो आपको मैं यहाँ पे 20 वोल्ट में कनेक्ट करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज आ रहा है, फिर भी हमारा ये बैटरी ख़राब है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये ठीक है, हमारा ये बैटरी ख़राब है। तो हम इसमें ये नया वाला बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें हम ये बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें लगा देने का है। लगा देने के बाद हम इस मस्कीटो बैट को आप फिट कर देंगे। तो हम इसको फिट करने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारा ये जो लाइट है ग्लो कर रहा है। और इसको हम नेट में लगाएंगे, देख सकते हैं ये हमारा ये जो साउंड भी हो रहा है, ये जो शॉट का साउंड भी हो रहा है। तो हमारा ये बैटरी ख़राब था। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया, सर्किट काम करने लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों देखो एक लाइक करने का, सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाकर ऑल में क्लिक करें। जब भी मैं कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहले ही पता लग जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो।